मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में मेहमानों को न्योते भेजे जा रहे हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट, विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारियों ने बेहद सादे अंदाज में अतिथियों की एक लिस्ट तैयार की है। अयोध्या पूरी तरह से तैयार है, मेहमानों की लिस्ट भी जारी है। अयोध्या नगरी जय श्री राम के नारों से गुंजयमान है। मेहमानों की लिस्ट में करीब 150 समुदाय से जुड़े लोगों को शामिल किया गया है। इन सभी के पास अब न्योते मिलने की पुष्टि होने लगी है। ट्रस्ट ने दलित, आदिवासी, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले गरीब परिवार और मंदिर निर्माण में जुटे श्रमिकों तक को बतौर मेहमान कार्यक्रम में बुलाया है। बता दें कि अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य यजमान के रूप में शामिल हो रहे हैं। अब ऐसे में केंद्र से लेकर राज्य सरकार के अधिकारी कार्यक्रम की तैयारियों में व्यस्त हैं। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से एक हफ्ते पहले धार्मिक कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे। कुछ खबरों की माने तो प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए बृहद रणनीति तैयार की गई है। आरएसएस हो, वीएचपी हो, इनके प्लान को दूसरे राम मंदिर आंदोलन के रूप में भी देखा जा रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद और अन्य संगठनों के नेतृत्व में 1 जनवरी से 15 जनवरी तक घर घर संपर्क अभियान चलाया जा रहा है। देश भर में अक्षत यानी कि पवित्र चावल कलश यात्रा निकाली जा रही है। 22 जनवरी के दिन मंदिरों में धार्मिक आयोजन करने की अपील की जा रही है। धार्मिक स्थलों पर साफ सफाई और रोशनी से जगमग करने का भी प्लान पूरी तरह से तैयार कर लिया गया है। 150 से ज्यादा अलग अलग समुदाय के प्रतिनिधियों की भी लिस्ट तैयार की गई है। इसमें प्रत्येक जिले और देश भर के अधिकांश ब्लॉक में रहने वाले लोगों को शामिल किया गया है। हिंदू समाज को एकजुट करने के लिए संत, विद्वान, सामाजिक कार्यकर्ता और अलग अलग समुदाय से जुड़े लोगों को आमंत्रण भेजे जा रहे हैं। इस सूची में दलित, आदिवासी, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले गरीब परिवारों के नाम भी शामिल हैं। वीएचपी से जुड़े नेताओं का कहना है कि राम मंदिर निर्माण के लिए 100 रुपए तक चंदा देने वाले झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले 10 परिवारों को न्योता दिया गया है। इसके अलावा मंदिर निर्माण में लगे मजदूरों को भी बतौर मेहमान बुलाया गया है। वीएचपी अध्यक्ष का कहना है कि इस कार्यक्रम में पूरे देश का प्रतिनिधित्व देखने को मिलेगा। हमने समाज के हर वर्ग को बुलाया है, विशेषकर हाशिए पर रहने वाले समुदायों को सबसे ज्यादा ध्यान में रखा गया है। 4000 संत और 2500 प्रतिष्ठित नागरिक आएंगे। खबरों की माने तो करीब 4000 संतों और 2500 प्रतिष्ठित नागरिकों को न्योता भेजा गया है। वहीं वेब का कहना है कि जब राम मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट बनाया जा रहा था तो उसमें दलित समुदाय से आने वाले कामेश्वर चौपाल को भी सदस्य बनाया गया था। मंदिर की आधारशिला रखने के लिए भी चौपाल को चुना गया था। हालांकि हम संतों को जाति के आधार पर नहीं बांटते, लेकिन हमें सुनिश्चित करना होगा कि हर भाषा, क्षेत्र, समुदाय को कार्यक्रम में प्रतिनिधित्व मिले। राम में आस्था रखने वाले प्रतिष्ठित नागरिकों में राजनेता, एक्टर, कवि, खिलाड़ी, पद्म पुरस्कार विजेताओं को भी न्योते दिए जा रहे हैं। वीप ने 22 जनवरी को कार्यक्रम लाइव दिखाने की भी तैयारी की गई है। देश भर में 5 लाख LED स्क्रीन लगाए जाएंगे, यानी कहा जा सकता है कि राम के आगमन में कोई भी अछूता न रह जाए, इसको लेकर पूरी तैयारियां की जा रही है। आखिरकार 500 साल बाद भगवान राम की वापसी हो रही है, जिसको लेकर पूरे देश में खुशी का माहौल है और हर कोई इस क्षण का साक्षी बनने के लिए बेकरार नजर आ रहा है।